और कैसे हो आप? बस है ऐसे ही। और बताइए, क्या बताऊं मैं आपको, किराएदार पैसा नहीं दे रहा है और ये कोरोना की वजह से धंधा भी नहीं चल रहा है। बस करो मोंटी की मम्मी, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, आप क्या लेंगे? और एक खुशहाल जिंदगी में जन्म लेना चाहते हैं। मेरा मतलब था कि चाय, कॉफी, पानी, जूस। हाँ, ओह, और आपकी बेटी? हाँ, मैं उसको बुलाती हूँ। बेटा, इधर आओ। हेलो बेटा, ये पढ़ाई में कैसी है? ठीक ठाक है। मत रो मोंटी की मम्मी, रोने से क्या हासिल होगा। आप वो सब छोड़िए, मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी पुडिंग लाती हूँ, महाबलेश्वर से मैंने लाया है। अरे, अब क्या हुआ? आप महाबलेश्वर जाके आई, मैं लेकिन आप तो शिमला गए थे ना, मैंने मॉन्टी का स्टेटस देखा था। आपने नया डिनर सेट खरीदा ना? हाँ, वो मैंने नया डिनर सेट लिया था। अरे, अब फिर से क्या हुआ? आपने नया डिनर सेट खरीदा और मैं अपना डिनर सेट 20 साल से चला रही हूँ। मुझे क्या होगा, मैंने भी अपने गांव का पानी पिया है। चलिए आइए बेटी। बच्चों, देखो यहाँ कौन आया है। हेलो आंटी। हेलो आंटी। ओ हेलो बच्चों, कैसे हो? बस ठीक है। आपके आने से पहले। और बेटा, तुम्हारा तो एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है ना? इनको कैसे पता चला? हाँ, वो आने ही वाला है। क्या, कब, क्यों, कैसे? आपको कैसे पता चला? मुझे तो इसने कुछ बताया नहीं। हमारे भाजू भेजे पटेल से है ना, उनका वाइफ का भाई का बेटा है ना, इसी के साथ पढ़ता है, तो उनसे पता चला। बेटा, तुम गाड़ी चलाते हो? जी आंटी। बहुत तेज चलाते हो। मैंने तुम्हें और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे उड़ता चप्पल, जैसे उड़ता झाड़ू। मैं भी इंस्टाग्राम रील्स देखती हूँ ना। वो सब छोड़ो, वो लड़की कौन थी? कब? वो वेडनेसडे को 4:30 पे हीराकोट में। कौन थी वो? हाँ, वो एक फ्रेंड थी मेरी। जस्ट फ्रेंड्स? उसके आगे कुछ नहीं? नहीं आंटी, उसके आगे कुछ नहीं। नहीं, वो पूछना जरूरी है ना, क्योंकि आजकल के बच्चे, शुक्ला जी के बेटे को ही देख लो, अपने दोस्त के साथ भाग के शादी कर ली। फिर मैं चलती हूँ, जब इसका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तब मैं मार्क्स पूछने आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। अब मैं तुझे बाहर नहीं निकल। देख रहे हो, आपके वजह से मुझे क्या मिल रहा है? ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।